अस्सलाम नाज़रीन, मैं नवीद उस्मानी एन यू चैनल से आपकी खिदमत हाज़िर हूँ। मैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेस वन पे खड़ा हूँ। अंदर जाके मिलते हैं, हम देखते हैं लोग वहाँ पे हैं या नहीं है, उनसे सारी मालूम लेते हैं, हम फिर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नवीद उस्मानी एक नई वीडियो की साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं GFS बिल्डर एंड के साइड ऑफिस नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेस वन के ऑफिस में बैठा हूँ। आज हमारे साथ ये सईद रहमान साहब, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ। तो व्यूवर्स, मैं अभी नॉर्थ टाउन गोल्ड एक्सटेंशन का विजिट करके आया हूँ। माशाल्लाह हर चीज़ वहाँ पे क्लियर है और इनकी क्लेम में आ गई और आस्ते आस्ते वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं लास्ट में शेयर कर दूँगा। तो हम सईद भाई से पूछेंगे कि करंट सिचुएशन जो गोल्ड एक्सटेंशन की है वो क्या है, आपके जो जहन में ख्यालात हैं वो दूर हो जाएँ, इनकी ज़बानी हम सुनते हैं। सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम, कैसे जनाब जाते हैं? सईद भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइए, गोल्ड एक्सटेंशन जहाँ पे लोगों के प्लॉट हैं गोल्ड ब्लॉक से आगे जहाँ पे गोल्ड लगता है, वहाँ पे करंट सिचुएशन इस वक्त क्या पे है और इस वक्त क्या काम हो रहा है और कितना काम अभी बाकी है और कब तक हो जाएगा? जो GFS बिल्डर ने जो वादा किया था अलॉटी से वो पूरा किया है। गोल्ड में, ऑयल में और गोल्ड एक्सटेंशन के अंदर अब काम तेजी से शुरू हुआ हुआ है। जो वादा किया था 4 साल का, 4 साल में हम परेशन देंगे, कब्जा देंगे। और अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो आप मुझसे रब्ता करिए। मैं नॉटवन में होता हूँ, सईद मेरा नाम है। किसी किस्म की कोई बात है, 7 वंडर में हमने दिए परेशन, इसके बाद हमने नॉटवन में भी दिए, शॉप दिए, फ्लैट दिए, ग्लास दिए, काफ़ी चीज़ें हैं। भाई, मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था, काफ़ी मेरे जो अलॉटी हैं व्यूवर्स हैं उनका क्वेश्चन है, एक सोसाइटी जैसे होती है, जैसे साइमा है और दीगर सोसाइटी हैं, यहाँ पे सोसाइटी का वो कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा। वो एक जो एक पूरा एक फ्रंट एलिवेशन एक जैसा होता है वो यहाँ पे नहीं है। एक तरीके से पूरे मोहल्ला इलाका बना के बाउंड्री वॉल में एक प्रोजेक्ट बना दिया है, तो ये सोसाइटी का तो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ फील नहीं हो रहा। यहाँ तो लोग अपनी मर्ज़ी के मकान बना रहे हैं, ग्राउंड प्लस वन, ग्राउंड प्लस टू, अपनी मर्ज़ी का फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं, तो इस तरह लोग ऐसा से कमतरी में नहीं आएंगे यहाँ पे कोई? इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है जैसे साइमा ने बना दिया। आपका जैसे प्लॉट है 180 गज का, 120 गज का, आप उसको खुद बना सकते हैं, खुद तैयार करते हैं। ये नहीं हमारा यूनिफॉर्म बना दिया, सब एक जैसे यूनिफॉर्म बनाए, तो ये तो स्कूल हो जाएगा ना। अब हमने इसलिए अलॉटी को दिया, वो अपनी परमिशन है, जैसे चाहे बनाए ग्राउंड प्लस वन, सही है। अच्छा, कमर्शियल का ये ग्राउंड प्लस टू बना सकते हैं और रिहायशी प्लॉट है वो आप ग्राउंड प्लस वन बना सकते हैं। तमाम फेज वन में जो अलॉटी आके रहेंगे उनको फॉलो करना ज़रूरी होगा ताकि कोई इनकी खिलाफ वर्जी ना कर सके, इनकी पॉलिसी की कोई वायलेशन ना हो सके। जैसे आपने रेजिडेंशियल में प्लॉट बना लिया, उन्होंने नीचे बना ली दुकान, ऊपर बना लिया मकान, कोई ऐसा तो यहाँ सिस्टम नहीं होगा इस तरह का? ऐसे नहीं, जो कमर्शियल चीज़ है वो कमर्शियल है। अच्छा, हमारी जब ज़मीन आई थी 16 एकड़ ज़मीन आई थी, आप देखें ओल्ड ब्लॉक में लोग रह रहे हैं, या मस्जिद है, पार्क है, हर किस्म की फैसिलिटी है और बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ यहाँ से चोरी नहीं हो सकती, किसी किस्म की कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, ये जो ज़मीन है सिद्ध भाई, ये LDA की ज़मीन है, ये LDA लीज देगी? नहीं, ये MDA की, वो इसकी है, ये LDA की लीज देगी। LDA की है ना, SCBC से मंजूर है, ये LDA से मंजूर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप काफ़ी मुतमिन हो गए होंगे हमारी ये सईद भाई से माशाल्लाह से, और इन्फॉर्मेशन दी है इंशाल्लाह। जो मैंने अभी वीडियो बनाई है, अभी मैंने ऑन ग्राउंड जाके, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं शेयर कर दूंगा। सईद भाई, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। मेरा नंबर है 0335-390-5461। पूरी बात है, जो हम प्लॉट दे रहे हैं, शॉप दे रहे हैं, ग्लास दे रहे हैं, देखिए हम है ना ये किस्तों पर दे रहे हैं, किस्तों पे दे रहे हो, कोई मार्कअप नहीं है, किसी किस्म की हिटिंग नहीं है, किसी का कोई बैंक लोन नहीं है, कोई होम बिल्डिंग लोन नहीं है। आज जस्ट लाइक समझेंगे कमेटी, आपने पैसे पूरे दिए 4 साल में, हम आपको कब्जा दे देंगे। भाई बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने सईद भाई के तासर सुने, मुझको इजाज़त दीजिए नवीद उस्मानी को एन यू चैनल से। इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नई जगह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।